लव जिहाद, जिहाद एक बहुत अच्छा लफ्ज है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको खराब लफ्ज बना दिया गया है। मैं इसकी मुखालफत करता हूं। रहा सवाल श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं और मैं यहां तक कहता हूं कि वो आफताब हिंदू है या पारसी है या मुसलमान है, ये बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बहस होनी चाहिए कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। श्रद्धा का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि और वो आफताब जो है वो जितना श्रद्धा का मुजरिम है या उसके वालदेन का खतावार है, उससे ज्यादा वो मुल्क का कसूरवार है, और उससे भी ज्यादा, सबसे बढ़कर मैं ये कहता हूं कि उसने वो सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो मुसलमानों का मुजरिम है। और मैं ये कहता हूं, हुकूमत से भी कहता हूं, मैं अदलिया से भी ये बात कहता हूं कि इस किस्म के जरायम को रोकने के लिए फांसी की मांग की जाए, मैं इसके खिलाफ हूं। फांसी कितने लोगों को आज तक दी गई है? जैसे पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट बहुत सख्त है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे, छोटे बच्चों को गोद के में जिले खिलाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जो जरायम हो रहे हैं उनमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, अदलिया से, कि एक बार ऐसे मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए जिससे दूसरों को इबरत हो सके। मैं ये कहता हूं कि आफताब की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसको सजा देने के लिए हमारे हवाला किया जाए और हम उसको आधा जमीन में गाड़कर श्रद्धा के वालदेन से उसको पत्थर से, और पत्थर बड़े नहीं होंगे, कंकर मार मार के ऐसी दर्दनाक उसे सजा दी जानी चाहिए और सरेआम दी जानी चाहिए और मीडिया के सामने दी जानी चाहिए उसका।